अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक अनोखे टॉपिक पर है जिसमें हम बात करेंगे कि इंसान की ज़ुबान में वो ताकत है जो महंगी दवाओं, जड़ी बूटियों और किसी दौलत में नहीं। ज़बान जो किसी मरीज को मौत के दहाने से उठाकर फिर से ज़िंदगी और सेहत से रोशनास करवाती है, और आपकी ज़बान से बोले गए मीठे बोल क्या ताकत और अहमियत रखते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शख्स का किस्सा सुनाता हूँ। एक शख्स अपने बारे में बताता है कि मैं बीमार था और क्योंकि मैं किसी गैर के घर पर था इसलिए मैं परेशान भी बहुत था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोस्त अहबाब को पता चला और अयादत करने के लिए आए, और उनके बाद दूसरे दोस्तों को भी पता चला और वो भी आए, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत अच्छी होती गई और बहुत जल्द मैं सेहत याब हो गया। इस वक्त माहिरीन नफ्सियात इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपने मरीजों का इलाज अयादत के ज़रिए करें, क्योंकि मरीज़ की अयादत उसको सेहतियाब कर देती है। आइए आज मैं आपको अमेरिकन कैनेडी हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होने वाला मरीजों का इलाज करने के लिए एक अनोखा तरीका बताता हूँ। इस हॉस्पिटल में एक शख्स इलाज की गर्ज से गया और उसने बताया कि रोज़ाना दो बार हर मरीज़ के पास उनके चर्च के फादर, यानी जिसे पादरी कहते हैं, और हसमुख और माहिरीन नफ्सियात आते थे और मरीज़ का हाल अहवाल पूछते थे और उसे तसल्ली भी देते थे। सेहत की दुआ करके फिर वो दूसरे मरीज़ के पास चले जाते, और मैंने जब ये हालत देखी तो मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि इस्लाम किस तरह मुसलमानों को अयादत का हुक्म देता है। उस शख्स का कहना था कि मैंने अमेरिकन हॉस्पिटल में ये ऑब्ज़र्व किया कि अयादत करने वालों की वजह से हर मरीज़ की कोशिश यही होती थी कि मैं इसी अस्पताल से इलाज करवाऊं, क्योंकि वहां मरीज़ बहुत जल्द सेहतियाब हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ हैरान कन ऑब्ज़र्वेशंस बताऊं कि न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में एक ऑब्ज़र्वेशन की गई कि वो मरीज़ जो हॉस्पिटल्स में तनहा पड़े रहते थे उनको बेहतरीन इलाज और ऑब्ज़र्वेशन में रखने के बावजूद पूरी तरह फ़ायदा नहीं हो रहा था। जिन मरीज़ों को मिलने वाले और बीमार पुरसी करने वाले आते रहते थे, इनमें तंदुरुस्ती की रफ़्तार दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर पाई गई। इन मुशाहिदात के बाद न्यूयॉर्क के पादरियों ने हॉस्पिटल्स में जाना शुरू किया और वो मरीज़ों से मिलते, उनकी बीमारी के बारे में गुफ्तगू करते और आखिर में उनके साथ मिलकर सेहतियाबी की दुआ करते। पादरियों से तवज्जो पाने वाले अक्सर लाइलाज मरीज़ भी शिफायाब होने लगे। अमरीकी रिसाला रीडर्स डाइजेस्ट ने इस मसले को रूहानियत से ताबीर किया और उसका कहना था कि दुआ करने से उनको फ़ायदा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि मरीज़ का जहन परेशान होता है। वो अपनी बीमारी के तफक्कुरात की वजह से किसी भी तरकीब को आजमाने को तैयार होता है। अखबारों में रोज़ ऐसे वाक़यात आते हैं जहां बेऔलाद पेरेंट्स रात के अंधेरे में कब्रिस्तानों में जाकर मुर्दों की हड्डियाँ निकाल कर उन पर गुस्ल करते हैं, या हमसायों के किसी कमसिन बच्चे को कत्ल करके इसकी लाश बेहुदा अल्फाज के वजीफे में पढ़ी जाती हैं। अपनी बेऔलादी या बीमारी की अज़ियत को ख़त्म करने के लिए वो हर बेहुदा और ख़िलाफ़ शरा काम करने को तैयार होते हैं। इस ज़ुमरे में इस्लाम ने सबसे पहले मरीज़ की कैफियत को महसूस किया और इस बारे में ऐसे मुफीद मशवरे दिए जिनसे मरीज़ के जहन को इत्मीनान और सुकून मैसर आ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर पांच हुकूक हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की अयादत करना, जनाजों के साथ जाना, दावत को कबूल करना और छींक लेने वाले का जवाब देना। दोस्तों, ऐसी कई अहादीस हैं जिनके अंदर मरीज़ की अयादत का हुक्म दिया गया है। इसी मसले में बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ रिवायत करते हैं, हमें हुक्म दिया गया कि मरीज़ की अयादत करें और जनाजे के साथ जाएं। यहाँ पे दोस्तों दूसरी गौर व फिक्र की बात यह भी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ की अयादत ना करें, अगर अल्लाह की रज़ा से वो मरीज़ इंतकाल कर जाता है तो आप उसके जनाजे में भी शिरकत करके उसकी मगफ़रत के लिए दुआ करें। मरीज़ की अयादत के फ़वाइद का तذکرہ करते हुए सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी भाई मुसलमान की अयादत को जाता है तो वो लौटते वक्त जन्नत के बागात में से मेवा खोरी में रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ और तू मेरी अयादत को ना आया। बंदा कहेगा कि ऐ अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि तुझे इल्म ना था
कि मेरा फलां बंदा यूं बीमार हुआ है, तूने उसकी आयादत ना की, क्या तुझे इल्म ना था कि अगर तू उसकी आयादत करता तो मुझको उसके नज़दीक पाता। इन अहादीस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमार की आयादत करने से ना सिर्फ सवाब मिलता है बल्कि अल्लाह ताला से कुर्बत भी हासिल होती है। हज़रत जाबिन बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ना रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मरीज़ की आयादत के लिए जाता है तो वहाँ पर दरियाए रहमत में उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक वो वहाँ रहा, बल्कि उस दौरान उन दरिया में वो डुबकी लगाता रहता है। मरीज़ की आयादत एक लिहाज से उसको इत्मीनान दिलाने और हौसला देने वाली बात है। बीमारी उसके गुनाहों को कम करती है और उसकी दुआओं को दूसरों की निस्बत ज़्यादा कबूलियत हासिल होती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ना रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू मरीज़ की आयादत के लिए जाए तो उससे अपने लिए दुआ करवा, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बीमार की आयादत करने की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई होगी, और नेक्स्ट टाइम आपके आसपास कभी भी कोई भी अजीज़ो अकारिब या कोई अननोन ही बीमार होगा तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसकी तसल्ली के लिए उसके पास बैठेंगे, और ऐसा करने से ना सिर्फ उसको नफ्सियाती तौर पर बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी और मरीज़ की तरफ से आपके हक में की हुई दुआ आपके लिए कामयाबियों के रास्तों को मज़ीद खोलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।